अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का मैंगो जैम बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ के आम, इसे हम पील ऑफ कर लेंगे। हम ब्लेंडर में इसे ऐड करेंगे। 1/4 कप पानी का डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे और बहुत ही फाइन सी पेस्ट तैयार करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। फिर हम इसे सारे मिक्सचर को एक कढ़ाई में डालेंगे और बहुत ही लो फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएं, अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। हमने ऐड कर दी। जैसे ही हम चीनी डालेंगे तो चीनी अपना पानी इसमें छोड़ देगी। हम अच्छे तरीके से इसे पकाते जाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो गई है। यहाँ पे हम इसे पकाते रहेंगे। मैं आपको पॉइंट बताऊंगी जिस पॉइंट पे हम इसे पकाना बंद करेंगे जी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। आप इस जैम को बहुत ही इजीली 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया। जब ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डाल के हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ी देर में ये उस तरह की क्वांटिटी की शक्ल में आ जाएगा जैसी हमें इसकी चाहिए कंसिस्टेंसी। जी तो 1 मिनट बाद तकरीबन हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जब भी हम कोई घर में चीज़ बनाएं तो उसके लिए हमें ग्लास कंटेनर चाहिए होता है। उससे हमारी चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होती जी। तो आप देख सकते हैं ठंडा, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो ये जेल सी फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम डालेंगे ग्लास कंटेनर में एक। ये हमने सारा इसमें डाल लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं जी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।